हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। ठीक है, पॉलिटी का देखिए, मुझे को पता है आपको, जैसे पता है मैंने बताया था कि मैं एमसीक्यूज की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में बात किया था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहाँ कहाँ से सोर्स आपके लिए गए थे, और इसमें हम बात करेंगे प्रीएम्बल से जुड़े हुई सारे क्वेश्चंस के बारे में। लगभग इसमें 40 क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली वाले में लगभग 50 क्वेश्चन थे, और इसमें 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीएम्बल से जुड़े हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीएम्बल के एम्स से लेके प्रीएम्बल के छोटी छोटी बारीकियों तक के मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीएम्बल से हट के। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नीचे ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए IAS 1992 में पूछा गया था, 1992 में, कि जो फेडरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इंडियन फेडरेशन, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, USA से, कनाडा से, आयरलैंड से, या फिर UK से। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कहाँ से लिया गया है। देखिए, फेडरेशन सिस्टम की अगर आप बात करें तो वो आपका लिया गया है कनाडा से। USA से देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह आए हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आए हैं। ठीक है, आपका UK से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी है इसमें, आपका अमेंडमेंट वहाँ से लिए हैं, आपका कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, आपका जर्मनी से, इमरजेंसी की कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। पर यहाँ पर फेडरेशन सिस्टम की बात की गई है तो वो है आपका कनाडा से लिया गया। ओके, तो ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली किसके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, किसके संवैधानिक सिस्टम को फॉलो करता है बहुत नज़दीकी से। तो देखिए, संवैधानिक सिस्टम मतलब हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कहाँ की फॉलो करता है, वो UK की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका UK सही आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, प्रेसिडेंट वगैरह जो है वो हमारे बता, मैंने आपको बता दिया इसके लिए, पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वही हमारा संवैधानिक सिस्टम कहलाएगा। तो वो कहाँ से करेगा, UK से। तो ऑप्शन क्या आपका UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत समझिएगा, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। अब देखिए, इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, उसमें ये पूछा है, सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल जुडिशरी, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह जो है आपकी, या फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए मुझे थोड़ा खांसी ज़्यादा है। ओके, तो अब इसमें देखिए हम बात करें तो आपका अमेरिकन फेडरेशन है वो क्या बताता है, वो देखिए वो कैसा है, वो एक फेडरल सिस्टम चलाता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। हमारा इंडियन क्या है, हमारा इंडियन फेडरेशन है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दोनों में थोड़ा अंतर है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप कहाँ, देखिए अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप होती है। कैसी, ड्यूल सिटीजनशिप, तो ये अलग हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन ए हमारा गलत है। ड्यूल जुडिशरी, देखिए ये अमेरिका से मेल खाता है, पर वहाँ भी थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमारा जो ड्यूल जुडिशरी है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा पावर है, लेकिन अमेरिका में क्या है, दोनों की अलग अलग पावर है। हमारा वहाँ का सुप्रीम कोर्ट वहाँ के हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे यहाँ बदल सकता है, तो ये भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत आंसर है। थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारे में थ्री लिस्ट हैं, लेकिन अमेरिका से वो नहीं लिए गए, कॉन्करेंस लिस्ट वगैरह कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। बसता क्या है, ऑप्शन फोर, ये क्या कह रहा है, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है हमारा जो संविधान में इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, ये वहाँ से लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट संविधान में चाहे तो थोड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवॉल्यूशन है। वहाँ पर हर किसी ने लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के चक्कर में हर किसी को दबाने की कोशिश की है। ठीक है,
नीचे वाले जो लोग थे माइनॉरिटी थी उसने हमेशा लिबर्टी इक्वलिटी के चक्कर में विद्रोह करा है, ठीक है, वो अपर बन गए, और जब वो अपर बन गए तो उसके नीचे वाले लोगों ने फिर से लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के चक्कर में फिर से विद्रोह कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। तो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमारे लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ विच कंट्री। देखिए इंडियन प्रेसिडेंट है आपका, ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए इंडियन प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देखिए अब इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हमारा यूएसए से भी लिया गया है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर वो हमारा यूके से लिया गया है, मतलब यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो यूके में तो है लेकिन यूएसए में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। आपका ज़्यादातर पावर जो होती है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, ये यूके में है लेकिन प्रेसिडेंट पीएम आपका यूएसए में नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ब्रिटेन, ऑप्शन ए हमारा एकदम सही है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, अब देखिए आपका आ गया प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास जो पावर है, ठीक है, और जो संवैधानिक जो उसकी जगह है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है हमारी, अब देखिए यहाँ पर यूके नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो यूके आ जाता। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की तरह होता है, मतलब सारे जो डील्स वगैरह होती हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं, ऐसे इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं, ठीक है, थीके? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से आके कोई डील करे लेकिन वो करेगा प्रेसिडेंट के नाम पर ही, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाने में मदद करती है। देखिए फंडामेंटल राइट्स सेकुलर स्टेट नहीं बनाते, ठीक है, सेकुलर स्टेट क्या बनाता है आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल के अंदर ही सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, फ्रेटर्निटी इंटीग्रिटी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे वर्ड यूज़ किए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और नाइन्थ शेड्यूल, ये सारे संविधान के पार्ट हैं। लेकिन सेकुलर स्टेट कौन बनाता है, कहाँ डिस्क्राइब है, प्रीएम्बल के अंदर। तो ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन, देखिए जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, ठीक है, वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, पार्लियामेंट्री के पास होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की, देखिए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पूरा हो ही गया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरी गवर्नमेंट होती है, तो ये तो हमने वही बोल दिया कि यार गवर्नमेंट की पावर किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास वो तो है लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी वो पावर किसके पास होती है, तो देखिए प्रेसिडेंट जो है वो आपका सिर्फ नॉमिनेटिव हेड होता है, ठीक है, कैसा होता है, नॉमिनल हेड होता है कि हाँ यार इसको बना दिया हेड, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है जिसके पास रियल में सारी पावर होती है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है इनके पास सारी पावर होती है कुछ भी अप्लाई करने की, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिकली चूज़ करने की। पार्लियामेंट जो होती है वो तो आपके प्रेसिडेंट और वो प्राइम मिनिस्टर इन सबको मिलाकर बनती है, ठीक है, तो वो सब तो अलग चीज़ है, पर जो आपकी मेन पावर एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है आपका, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन क्या आपका ए। नेक्स्ट में हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका बेसिक फीचर नहीं है, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये आपका एक बेसिक फीचर है, फेडरल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी ये सब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक फीचर है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है आपकी, ठीक है, ये एक बेसिक फीचर नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका जो इमरजेंसी के वक्त पे लागू होता है तो ये बेसिक फीचर नहीं है। तो क्या है आपका ऑप्शन ए, एक बेसिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब इनमें से कौन सा एक फीचर है जो पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट में है, ठीक है, फॉर्म में, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर,
जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। तो अब इनमें से बताना कि इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ये कि जुडिशरी कभी भी किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती एग्जीक्यूटिव को, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देखिए जुडिशरी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है एग्जीक्यूटिव के, ये चीज़ हमें आपको याद रखनी है। प्लस एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है जुडिशरी के लिए, मतलब एग्जीक्यूटिव भी चाहे तो कुछ अपने कदम उठा सकता है, तो ठीक है ये भी गलत हो गया। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के, ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक हिस्सा है, तो वो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लेजिस्लेचर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एग्जीक्यूटिव के, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के। तो मतलब आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन बी एकदम आपका सही है। नेक्स्ट क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। देखिए अब जर्मनी से क्या लिया गया है सबको लगभग पता होगा, एमरजेंसी। अब कैसे याद रखेंगे कि यार जर्मनी का कौन था ताना सा, हिटलर। हिटलर क्या था यार, बड़ी अगर हिटलर या इंडिया में जाए तो क्या हो जाएगा, एमरजेंसी हो जाएगी, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी। ठीक है तो अब याद रख सकते हैं कि यार जर्मनी का ताना सा हिटलर था, हिटलर से एमरजेंसी आई। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, अब देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो एमरजेंसी पावर से लिखा है, ठीक है अब लोग क्या करेंगे सीधे एमरजेंसी पावर को देखते इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है आपका आंसर क्या होगा, प्रोविजंस कंसर्निंग इन द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। देखिए एमरजेंसी तो हर देश में लागू होती थी, लेकिन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया था जो जर्मनी का था, उसमें दिया गया था कि जब एमरजेंसी लागू हो जाए तो उस वक्त क्या बदलाव आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है मतलब हम राइट टू जो फ्रीडम है हमें कहीं भी घूमने की, इमरजेंसी लगी हम ऐसे नहीं कि हम कहीं भी घूम लेंगे, ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स में हमें कुछ चेंज आ जाते हैं, कुछ सस्पेंशन हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में नेशनल इमरजेंसी के अंदर, तो वो चीज़ हमारी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है ये आपको याद रखना है कि क्या लिया गया जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड देयर सोर्सेज इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है अब यहां पर कौन सा पूरे तरीके से मैच नहीं कर रहा है। देखिए ऊपर जो प्रीएम्बल आया था वो आपसे ध्यान ना दिया, लोग कुछ कहने लग जाएंगे कमेंट होगी अरे स्पेलिंग गलत है प्रीएम्बल की। देखिए मैंने जल्दीबाजी में ऐसे लिख दिया है तो उसमें से एक ए मिस हो गया है, मुझे पता है मुझे। ठीक है तो नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच। तो उसमें मैच कौन सा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके देखिए आयरिश है, बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट्स ये भी आपके सही है। तो आपका क्या है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो ब्रिटिश प्रैक्टिस की बात नहीं है। ठीक है मतलब जो आपका वो रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका लिया गया है जुडिशियल रिव्यू यूएसए से। ठीक है और यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रिटिश प्रैक्टिस, तो मतलब ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए जो रॉन्गली मैच है। अब क्या देखिए, वन मिनट, ओके तो चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। देखिए लॉ मेकिंग प्रोसीजर पार्लियामेंट्री सिस्टम ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमारा लिया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है तो ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्या आपका देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब जो हमारी गवर्नमेंट है वो यूनिटरी तरीके से काम करने लग जाती है, तो वो होती है एमरजेंसी के वक्त। एमरजेंसी के वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंशन हो जाते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट है वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट में बदल जाती है। तो ऑप्शन क्या आपका, बी है। नेक्स्ट क्या है देखिए हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो ऐसा शो नहीं करता है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हो। तो अब वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल लिया गया क्योंकि वहाँ का भी लिखित संविधान है, हमारा भी लिखित संविधान है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी बिल्कुल लिया गया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स तो लिए गए ही गए हैं, तो मतलब ये तीनों सही है। मतलब गलत कौन सा आपका, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए से नहीं लिया गया है, वो लिया गया है यूके से, मतलब ब्रिटेन से। तो ऑप्शन क्या आपका,
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट, प्रीएम्बल के बारे में लिखी हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, हम इसे कोर्ट में नहीं खींच सकते, मतलब कि हाँ जब मन कर हमने यार प्रीएम्बल पर सवाल उठा दिए और हम उसे कोर्ट में ले आए तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और जब आपको पता चल गया कि यार ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ द प्रीएम्बल फ्रॉम, देखिए अब उसने जो प्रीएम्बल का जो एक आइडिया था, संविधान में प्रीएम्बल है हमने ली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तौर पे, तो ये आइडिया कहाँ से लिया गया था, ठीक है, ये लिया गया था आपका संविधान कहाँ के, अमेरिका के संविधान से, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ये बात उठाई थी, ऑप्शन आपका डी एकदम सही है। जो सेकुलरिज्म मीन है, ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ये आरआरबी 1994 का लिया हुआ मतलब है, तो सेकुलरिज्म का जो मतलब होता है वो होता है ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर जो भी सोशल हम फिलॉसफी हमारी वो किसी एक सीमित धर्म या किसी एक सीमित जाति को ना फेवर करे, मतलब उसका पक्ष ना ले, सब एकदम बराबर हों, ये होता है सेकुलरिज्म का मतलब। तो ऑप्शन क्या आपका डी एकदम करेक्ट है। इन अ फेडरल स्टेट, अब फेडरल का मतलब पूछा कि फेडरल का मतलब क्या होता है, देखिए इनकम टैक्स के 1993 का एक क्वेश्चन है, तो फेडरल का मतलब होता है कि जो स्टेट की पावरफुल हो वो मोर पावरफुल हो सेंटर से, ठीक है, जैसे अमेरिका में, अमेरिका में क्या है कि जो स्टेट्स हैं तो वो अपने को विड्रॉ कर सकती हैं, कंट्री से हटा सकती हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को जैसा चाहे वो वैसे कर सकती हैं, स्टेट के अंदर वो जो चाहे वो कर सकती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, सेंटर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, सेंटर क्या है सिर्फ ओवरऑल चीज़ें देखता है, तो स्टेट क्या है मोर पावरफुल है सेंटर से, ये होता है फेडरल। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सेंटर जो है वो मोर पावरफुल है देन स्टेट से, तो हम फेडरल नहीं है, ठीक है, हम फेडरल इन फॉर्म तो हैं लेकिन यूनिटरी स्पिरिट में हम यूनिटरी कहलाते हैं, ठीक है, हमारा मिक्सर है थोड़ा। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो एकदम सही है कि जो स्टेट होती है वो मोर पावरफुल होती है सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, देखिए हमने जो फेडरल फॉर्म ली है वो क्यों ली है, मतलब हमने फेडरल फॉर्म दिखाने के लिए तो ले ली लेकिन हम यूनिटरी हैं स्पिरिट से, लेकिन हमने वो क्यों ली, वो हमने ली जो हमारा लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारी जो भाषाओं का और जो धर्मों का जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो इतना चेंज है हमारी कंट्री के अंदर, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई एक तरफ तमिल चले जाओ वहाँ पर है, केरला में अलग चलता है, तो इस तरह के जो इतने सारे धर्म हमारे यहाँ एक साथ हैं और भाषाएँ अलग अलग हैं, इस वजह से हमें फेडरल फॉर्म को लेना पड़ा। तो ऑप्शन क्या आपका सी एकदम करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, देखिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हम हमारे जो प्रीएम्बल है उसे 368 के अंदर अमेंड कर सकते हैं, तो पहले तो ये कि जो आर्टिकल 368 है उसमें संशोधन के बारे में कहा गया है, लेकिन हम जो हमारी प्रस्तावना है प्रीएम्बल है उसको अमेंड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन आपका ये गलत है। तो देखिए ये जो है आपका ये आर्टिकल 368 है जो जिसमें संविधान का संशोधन दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये प्रीएम्बल उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा क्या कह रहा है आपका कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडमेंट, ये भी एकदम गलत है, क्योंकि पहले ही कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ वो पार्ट नहीं है संविधान का, लेकिन बाद में अपने डिसीजन को ओवररूल करते हुए उसने कह दिया था कि हाँ वो पार्ट है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड, ये एकदम सही है, ठीक है, वो पार्ट है संविधान का, हम उसमें अमेंड कर सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन में कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना बदला जाए, तो मतलब ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर आपका जो वर्ड है आपका सोशल सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कब एडिट किए गए या कब संविधान में जोड़े गए, कब प्रीएम्बल में जोड़े गए, ठीक है, ये प्रीएम्बल में जोड़े गए थे, ये आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, ये कब आया था, ये आया था आपका 1946
छिहत्तर में, ठीक है, 1976 में संविधान संशोधन ये जोड़ा गया था, ठीक है, और इसे हम छोटा संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसके अंदर किए गए थे। और एक है आपका 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जनता पार्टी लाई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जनता पार्टी लाई थी जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेजेस, ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेजेस दैट इट सेल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट सेल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डज नॉट एक्नॉलेज रिकॉग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन और इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पूछा गया है इसमें, तो देखिए अगर बताएं तो जो प्रीएम्बल है, ठीक है, उसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी है पूरे संविधान के अंदर, मतलब जो आपका पूरा प्रीएम्बल है वो एक ओवरऑल संविधान के बारे में एक हमें एक आइडिया देता है कि हाँ पूरे संविधान में क्या है। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट है। अब देखिए इनमें से आपको देखना कि करेक्ट नॉमेनक्लेचर क्या है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार कि सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको आगे पीछे कर दिया जाएगा और हमें ना पता करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, जहाँ पर देखिए ट्रिपल एस आता है, ठीक है, सिर्फ दो एस नहीं आती, ये आपको याद रखना है, ट्रिपल एस और फिर डी आर आता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको लास्ट में याद रखना है, और उससे पहले आपके तीन एस आते हैं जिसमें आपका सोवरेन सबसे पहले आएगा, सोशलिस्ट उसके बाद आएगा और सेकुलर उसके बाद आएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है हमारा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पब्लिक बिकॉज, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ऐसा क्यों है, ठीक है, बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, जहाँ पर अपना जो प्रतिनिधि है वो जनता द्वारा चुना जाए, ठीक है, हम वहाँ पर लोग, हम जो प्राइम मिनिस्टर को खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है, पीएम हम खुद इलेक्ट करते हैं, एमपी हम खुद इलेक्ट करते हैं, अपना हर प्रतिनिधि हम खुद इलेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, जो हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही है, ये होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज ए लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, ठीक है, इसमें से पूछा गया कौन सा सही है। तो जो आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए वो क्या करता है, जो स्पिरिट है हमारे संविधान की वो कंटेन्स करता है, ठीक है, देखिए ये भी सही है लेकिन ये एक ओवरऑल आइडिया देता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही एक साथ ले लिए हैं, पर आप पेपर में जाएंगे तो आपको पेपर में सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे साथ में, और अगर मिल भी जाते हैं तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा आपका पार्ट नहीं है प्रीएम्बल का, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फेडरलिज्म। अब देखिए बात करें आप इनकी तो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सब पार्ट हैं आपके प्रीएम्बल के, लेकिन जो फेडरलिज्म है ये पार्ट नहीं है, बिकॉज हमारी कंट्री फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहलाती, इसलिए फेडरलिज्म नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ये डी है। द सोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सोर्स ऑफ इंडिया सोवरनिटी लाइज इन, देखिए इंडिया की जो सोवरनिटी है वो कहाँ लाई करती है, प्रेसिडेंट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर, पीपल ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सोवरनिटी जो है हमारी वो प्रीएम्बल के अंदर लाई करती है, किसके अंदर, प्रीएम्बल के अंदर, और प्रीएम्बल क्या बोलता है कि जो मेन है वो हमारे पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहती है, तो मतलब इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया तो है लेकिन जो लिखा हुआ जो लाई करता है वो हमारा सोर्स प्रीएम्बल के अंदर लाई करता है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी, ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अब देखिए मैं इसको इतना लंबा, इसको आपको सिंपल एक तरीके से बताता हूँ कि 13 दिसंबर 1946 को किस इंसान ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो संविधान सभा में पेश किया था, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 13 दिसंबर 1946 को
आपके संविधान समिति के सामने अपना जो प्रीएम्बल के नाम से पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसको बाद में प्रीएम्बल बना दिया गया, वो बेसिक स्ट्रक्चर था आपका प्रीएम्बल का, तो वो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज, देखिए जो आपका संविधान है ठीक है वो रिपब्लिकन है, बिकॉज उसकी वजह पूछिए कि वो रिपब्लिकन क्यों है, ठीक है, बिकॉज वो कोई भी हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है, क्या नहीं है, कोई भी हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन आपका डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, द वर्ड सोशलिस्ट है, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद, जो हमारा सोशलिस्ट वर्ड है वो किसके साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन आपका ए क्या कह रहा है, आर्टिकल 39D वुड एनेबल द कोड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ नेशनलाइजेशन लॉज, ठीक है, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका 39D है वो ये कहता है कि जो कोर्ट है आपकी वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो नेशनलाइजेशन लॉ है उसको अपहोल्ड कर सकती है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, वुड एनेबल द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन ए स्टैचू, ठीक है, स्टैट्यूट विच फेल टू अचीव द सोशलिस्ट गोल ऑफ द फुलेस्ट एक्सटेंट, ये भी एकदम करेक्ट है। आर्टिकल जो 14 है आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट क्या देखिए क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 25 है वुड इनेबल द कोर्ट टू इंश्योर फ्रीडम गारंटी अंडर दैट आर्टिकल, देखिए ये गलत है, ये आपका सही नहीं है। जो आर्टिकल 25 है वो कोर्ट को इंश्योर नहीं करता, ठीक है, कि वो जो आपकी फ्रीडम है उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। आर्टिकल 23 वुड इनेबल द कोर्ट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ये बिल्कुल सही है कि जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए आपका जो आर्टिकल 23 है वो एकदम पावर देता है कोर्ट को, तो ये भी आपका सही है, लेकिन जे आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, ठीक है, तो आपका जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया गया, तो सिंपल है, बहुत इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ ये बीपीएससी में लिया गया है, ठीक है, 2011 में, कि जो इंडियन संविधान है जब वो बना था उसके अंदर कितने आर्टिकल, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल थे, ठीक है, ये इसमें पूछा होता। उस वक्त क्या था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल थे। अब देखिए 395 के अंदर भी और जोड़ती है चलेगा और वो 400 440 प्लस चले गए, पर जो मेन है वो आपके 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, तो वो ली गई थी आपकी यूएसएसआर से, ठीक है, या कहें तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि रसिया से ली गई हैं, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन सी एकदम सही है। देखिए द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज टू, देखिए सोशलिस्ट है वो प्रीएम्बल में ऐड किया गया, उसका मेन एम क्या था, मतलब वो मेन क्या चाहता था, तो वो मेन था उसका कि जो इनइक्वलिटी है हमारे सामाजिक और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस में, उस जो असमानता है उसे ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, वो था सोशलिस्ट का मतलब, तो वो क्या था, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस था, रिलीजियस नहीं आता इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फार्मर्स, देखिए आपके उस फार्मर्स हों या देश का कोई भी आदमी हो, उसका जो माइंड और आइडियल्स है उसको दर्शाने का काम हमेशा प्रीएम्बल ही करता है, कौन करता है, प्रीएम्बल ही करता है, तो ऑप्शन क्या है आपका, सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल, हमारी इनमें से कौन सी एक चीज है संविधान में जो ये दर्शाती है कि जो हमारा संविधान है वो एक फेडरल है, ठीक है, क्या दर्शाता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर बटी हुई है, फेडरल में होता क्या है, सेंटर स्टेट की अलग अलग पावर होती हैं, तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी है, उस तरह की नहीं है जैसी वहाँ है, यहाँ अलग है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, स्टेट को ज़्यादा पावर है, यहाँ सेंटर को ज़्यादा पावर है, लेकिन पावर तो बटी हुई है ना, तो वही चीज़ ये दर्शाता है कि हाँ हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है थोड़ा बहुत, तो वो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से रिगार्डेड है, फेडरल यूनिटरी पार्लियामेंट्री या फेडरल इन फॉर्म या यूनिटरी स्पिरिट, मतलब किस तरह का दिखता है, ठीक है। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन फॉर्म तो है, दिखने में तो फेडरल है लेकिन सोल से या स्पिरिट से यूनिटरी है, तो ऑप्शन क्या आपका डी एकदम करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आए वगैरह, पसंद आए हैं तो प्लीज़ सर सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन करें, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप कर सकते हैं। तो बस वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए, बस उतना ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।